सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। गणतंत्र दिवस पर काजमगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा में युवक की हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी बेहद संजीदा हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जंगलराज कायम है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रदेश में कानून का राज का दावा खोखला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने काजमगंज सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आज उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा और कंपनी का अब तो हर स्तर पर घोर अपराधीकरण हो गया है। भाजपा शासित राज्यों में लोग अपनी जान माल को बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं। मायावती ने कहा कि विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज न होकर जंगलराज जैसा माहौल व्याप्त है। उन्होंने कहा इसका ताज़ा उदाहरण काजमगंज की घटना है। यहाँ गणतंत्र दिवस पर उपद्रव, हिंसा, दंगा हुआ जो अब तक जारी है। बहुजन समाज पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। इसके साथ ही दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करती है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि विभिन्न अपराधों, हिंसा व सांप्रदायिक दंगा आदि के दोषी भाजपा के नेताओं पर से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि यूपी में तो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के साथ ही जनहित व विकास का भी हाल काफी खस्ता है। सरकार की नाक के नीचे अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। विकास का काम पूरी तरह ठप है। राज्यपाल राम नाईक को भी मजबूर होकर अपना दर्द सार्वजनिक करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार विकास के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने में जुटी है। यूपी में इस तरह जंगलराज को सरकारी तौर पर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा ही इनके शासित दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। मायावती ने कहा कि ऐसी गंभीर स्थिति के बावजूद प्रदेश के बीजेपी सरकार व सरकार के मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगना भी फिजूल ही लगता है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार नैतिकता, लोक लाज को ताक पर रखकर केवल निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है।